अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है, और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो EV सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25-30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो, हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकलेगी वो, तो मैं अक्सर एक बात, वेदर यू वॉन्ट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वॉन्ट टू लीड द पीपल, जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं, बोले लोग बोलते आप इंजीनियरिंग का बहुत समझ, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं कभी सेकंड फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? तो मैं उनको कहता हूँ, मेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इज द स्ट्रेंथ फॉर मी, एंड इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। सो आई ऑलवेज स्टैंड्स विद द थिंग, मैं ठोको होना चाहिए, पर अब थोड़ा सा ये मुझे डर लगता है कि अच्छे रोड बना के मैं अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का शेयर कम नहीं होना चाहिए और यह देश के लिए भी आवश्यक है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16-17% है वो 10% में आएगी। अब LNG का भी यूज़ हो रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात हम कर रहे हैं, तो 100% मुझे लगता है कि अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन्होंने पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी इलेक्ट्रिक आएगी तो आपके पास काम ही नहीं रहेगा।